नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी मींस साइंस ऑफ ट्रुथ और स्टडी ऑफ ट्रुथ, अपोजिट ऑफ दैट इज माइथोलॉजी और मिथोलॉजी, व्हिच मींस साइंस और स्टडी ऑफ फेक लाइव और इमेजिनेशन। आप सबका सतोलॉजी के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोट्स बनाइए, क्योंकि जो भी हम लोग बातें करते हैं दे आर रेफरेंसेबल एंड यू कैन ऑलवेज वॉच दिस वीडियो अगेन later on. And I see a lot of change in my audience and our people that we are becoming a family of truth seekers. और आपके comments मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं. I am really enlivened by your comments. And the way you pronounce satology is satology. Satology. If you're listening in Hindi, satology. In English, you just say satology. And because you are pronouncing O and Lo together. Sotology. But it is ta, not ta. It has no connection with satta. I see so many comments there. I have no relationship with satta. Okay. Satta se mera relationship. I have a relationship with satta, but not satta. So today we have a very special guest. And you liked his last show on Kavi. And that was Harivansh Rai Bachchan. Today we are going to take Premchand. So let us welcome Dr. Shailendra Kumar. नमस्ते शैलेंद्र जी। नमस्ते आदित्य जी, और सादर प्रणाम आपके संसार भर के दर्शकों को, श्रोताओं को, क्योंकि वो देखते हैं, अच्छा लगता है और हमारा उत्साह बना रहता है, मनोबल बना रहता है, इसीलिए हम नए नए विषय और शोध करके, अध्ययन करके सबके समक्ष लाते हैं कि नई नई चीजें ही आए। तो आज जो है वो आपने सही कहा प्रेमचंद पर हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली शास्त्र आठवें चैप्टर में गीता में मैंने वो श्लोक आपको शुरू श्लोक बोल रहा था, कविम पुराणम अनुशासितारम अनुरणीयम समनुस्मरित्या सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णतम। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं किस तरह उनके ऊपर ध्यान किया जा सकता है। कविम पुराणम अनुशासितारम, मतलब जो कवियों में भी कवि हो और सभी को अनुशासन करता हो, और अनियाम अनुस्मरित जो जिसका कोई अंत ना हो ना आदि हो, सर्वस्य धातारम सबको धारण करने वाला, सबको धाता है, अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात, और उनका आदित्य सूर्य के प्रकार तेज है जो तमस का नाश करता है। लेकिन बिल्कुल तो कवियों से बड़ा तो कोई भगवान कृष्ण से बड़ा कोई हो नहीं सकता। वो गीता में हम पढ़ते हैं हर श्लोक को हम कितनी बार बोल लेते हैं फिर भी बोर नहीं होते। इतने सालों से बोल रहा हूँ लेकिन कभी बोरियत नहीं होती कि श्लोक बोल दिया। श्लोक बोलते ही आपको तुरंत मन से एकदम जो है नेगेटिव साइड चली जाती है। लाइक यू वांट टू ट्राई इट आउट, मैं बोलता हूँ पेज बाय पेज बी अ सेज एंड इंच बाय इंच इज अ सिंच, यार्ड बाय यार्ड इज टू हार्ड। सो एक एक लाइन बोलते रहिए, एक एक लाइन बोलते रहिए एंड दुनिया के सुबह की शुरुआत करिए। मेरे लिए तो सुबह यहाँ पे 6:30 बजे और आपका जब जो टाइम आप देख रहे हैं। सो शैलेंद्र जी, लेट अस बिगिन, पहले प्रेमचंद के बारे में बताइए, फिर उसके बाद लेट अस बिगिन विद हिज रचनाएं एंड आई विल कीप पॉजिंग इन द मिडल कम इन द मिडल। भगवान कृष्ण को आपने याद कर लिया तो मैं भी थोड़ा याद कर लूं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ऐसा है आदित्य जी की प्रेमचंद, हम आगे भी इस बात का उल्लेख करेंगे लेकिन आपके प्रश्न पर संक्षेप में अभी बताते हैं कि प्रेमचंद जो है उपन्यास, कहानी, ये मुख्यतः ये जो साहित्य की दो विधाएं हैं इन पर उन्होंने अच्छी खासी रचनाएं की, और उनकी भाषा शैली ऐसी थी, लेखन शैली ऐसी थी कि लोगों को पढ़ने में अधिक कष्ट नहीं होता था और वो बड़ी ही सुलझा के कोई बात कहते थे। तो हमारे साहित्य में कहावत है कि सीधी लकीर खींचना बड़ा कठिन कार्य है, तो जो सुलझा के आपको बात कहे वो उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो इस तरह अन्यान्य कारणों से प्रेमचंद जो है हिंदी साहित्य में, गद्य में, उपन्यास और कहानियों में मुख्यतः बहुत प्रसिद्ध हुए, और ऐसा माना जाता है कि अभी तक हिंदी साहित्य में
उनकी ऊंचाई का दूसरा लेखक नहीं हुआ, ऐसा लोग बहुत सारे लोग मानते हैं। और विश्व में जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं, चाहे रूसी साहित्यकार हो या कोई और कहिए, तो हर क्षेत्र में, हर देश में जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं, उनसे यदि हिंदी साहित्यकार के किसी हिंदी साहित्यकार की तुलना की जाती है, तो सामान्यतया प्रेमचंद प्रमुख रूप से उनका नाम आता है। ये तो उनका छोटा सा साहित्यिक परिचय हो गया। वैसे क्या था कि वो स्कूल में अध्यापक थे और महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने प्रेरित हो गए और स्वतंत्रता संग्राम में, कहिए कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, लेखन के माध्यम से उन्होंने भाग लिया। तो वो इस मामले में प्रसिद्ध भी हुए इस मायने में, और एक दो रचनाएं आरंभ में जो उन्होंने लिखी उनको अंग्रेज जो सरकार थी उन्होंने जब्त कर ली। प्रेमचंद को दंड भी दिया गया, लेकिन शनै शनै प्रेमचंद ने जो अपनी रचनाएं लिखी तो धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। और आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि जब ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा फैलने लगी और उसके कारण जब भारत में प्रगतिशील लेखक संघ बना, तो उसके प्रथम अध्यक्ष प्रेमचंद बने। और उसके थोड़े ही दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा था कि इनका जो जीवन काल था उसमें आप लगा लीजिए कि 1912-14 से लेके और 1935-36 तक इनका रचना काल है, जिसमें इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं, 13 उपन्यास लिखे हैं और कुछ निबंधात्मक लेख भी लिखे हैं। एक इनकी बड़ी बहुचर्चित पुस्तक है, साहित्य क्या है। तो इस प्रकार से इनका लेखन रहा है। लेकिन आज जिस विषय पर हमारी वार्ता है, उसका इस बात से संबंध नहीं है कि उन्होंने वो कितने बड़े थे, कितने महान थे। हमारा यहाँ पर एक ही उद्देश्य है, दिखाना कि प्रेमचंद के की रचनाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं कि हिंदू विरोध है, या कहिए कि वे धर्म विमुख हैं, क्योंकि मुसलमानों की तरफ जो उनका झुकाव है वो हमें आश्चर्यचकित करता है। ऐसा झुकाव है जो सामान्यतः असह्य कह सकते हैं। क्यों झुकाव है, क्यों ऐसा उनके लेखन में है, इसका कोई तर्क मुझे नहीं समझ में आता। तो इसी संदर्भ में आज हम इनकी एक जैसे कहानी है, सबसे पहले लेते हैं ईदगाह, जो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी इस अर्थ में है कि सामान्यतः यह पाठ्य पुस्तकों में पाई जाती है, ईदगाह। अब ये भी आपको समझना पड़ेगा कि ऐसी कहानी हमारे पाठ्य पुस्तक में क्यों गढ़ रखी गई है। दूसरी एक कथा है, वो है पंच परमेश्वर। हम उसका भी थोड़ा सा उल्लेख करें। तीसरी कथा है जो हमें कहीं दिखाई नहीं देती, उस कथा का नाम है नबी का नीति निर्वाह। नबी का तात्पर्य यहां मोहम्मद से है, इस्लाम के आरंभकर्ता कहिए। और चौथी कथा जो है वो है जिहाद। जिहाद को लेकर के मुझे इतना आश्चर्य होता है कि उसमें कुछ बातें इस्लाम का जो असली स्वरूप हमें दिखाई देता है, उसका थोड़ा सा वर्णन प्रेमचंद ने किया है। लेकिन सबको चौंकाने वाली बात क्या है कि यह जिहाद कथा कहीं नहीं मिलेगी, आप किसी पाठ्य पुस्तक में मैंने नहीं देखी। सच्चाई तो यह है कि इसके विषय में जानकारी मुझे मुश्किल से 2 वर्ष पूर्व, और उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं इस सोशल मीडिया को, जिसके कारण मैं जिहाद से परिचित हुआ। फिर उस कहानी को पढ़ा और कई बार पढ़ा, आज भी आपके कार्यक्रम के लिए मैंने उसको एक बार और पढ़ा है। और ये जो मैं बता रहा हूं नबी का नीति निर्वाह, यह कथा तो मुझे आज ही मिली है, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था कि प्रेमचंद ने
मुसलमानों पर या इस्लाम पर या इन विषयों पर क्या लिखा है, तो मुझे ये कथा मिली है। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा चीजें स्पष्ट होती जाएंगी और आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके झटका लगना शुरू होगा कि क्या इस व्यक्ति को हम महान कहें, क्या इस व्यक्ति को हम महान कथाकार कहें। क्योंकि जिस व्यक्ति ने, जो अपने आप को हिंदू कहता हो, और ये उर्दू में पहले लिखा करते थे, उर्दू से हिंदी में आ गए, तो क्या हिंदू धर्म के लिए कोई गौरवगान किया? हिंदू धर्म के लिए कोई ऐसी बात कही, उसके गुणों को निकाल के हिंदुओं के समक्ष रखा? ऐसा मुझे नहीं लगता है। और जिस इस्लाम ने इस देश में क्या क्या नहीं किया, मतलब कितना भी बताया जाए तो वो कम होगा, फिर भी उनको उस इस्लाम में खोट नहीं दिखी, उसमें कमी नहीं दिखी। अब इस पृष्ठभूमि में आरंभ करता हूं अपनी वार्ता को। ईदगाह कथा है प्रेमचंद की, वहीं से शुरू करता हूं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। ईदगाह जाने की सबसे अधिक खुशी लड़कों को है। आगे आपको दिखेगा कि इसमें 4-5 बच्चे हैं, लड़के हैं। सबकी आयु यदि देखी जाए तो 4-5 वर्ष से लेके 7-8 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं, लड़के हैं। मेरी प्रथम आपत्ति यही है कि सबसे अधिक खुशी लड़कों को है और ये लड़के ईदगाह जाएंगे। प्रेमचंद के दिमाग में या उनके मस्तिष्क में बात क्यों नहीं आई कि इस्लाम लड़कियों को अनुमति नहीं देता ईदगाह जाने? लड़कियां मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाती। ये कितना नारी विरोधी स्वरूप है इस्लाम का। लेकिन प्रेमचंद का ध्यान उधर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदू समाज कुरान से इतना परिचित नहीं है, इस्लाम से भी इतना परिचित नहीं है। जब वो यह वाक्य पढ़ता है तो उधर उसका ध्यान जाता ही नहीं कि लड़कियों के प्रति क्या इस्लाम का भेदभाव है। इस्लाम ऐसा क्यों है जो लड़कियों को कभी नहीं कहता कि मस्जिद में जाओ? आप आदित्य जी हिंदू धर्म के अध्येता हैं, ज्ञाता हैं। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जो विवाह करने का कारण बताया गया है, वो सर्व प्रमुख कारण बताया धर्म। गृहस्थ आश्रम में जब आप यज्ञ करेंगे, वह यज्ञ तब तक नहीं होगा जब तक आपकी अर्धांगिनी आपके साथ न हो। ये कैसा मजहब है जिसमें लड़कियां नहीं जा सकती, स्त्रियां नहीं जा सकती? तो प्रेमचंद का यह पहला वाक्य। अब आगे क्या है कि इसमें जो नमाज है, जिसको मैं शुद्ध रूप से आदित्य जी मिलिट्री एक्सरसाइज मानता हूं। पहला कारण तो यह है कि उसमें स्त्रियां नहीं है। दूसरा कारण यह है कि जैसे आदमी उसमें उठता है, बैठता है, झुकता है, इसको आप व्यायाम अधिक कह सकते हैं, उपासना, साधना, आराधना, यज्ञ, साधना, इनमें से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और सनातनियों से अधिक क्या जान कौन जानता है कि आराधना कैसे होती है, पूजा कैसे होती और है? उसमें इसलिए उनकी प्रार्थनाएं भी कैसी होती हैं। मैं भी ब्रिटिश कैसी होती? मुस्लिम्स को सुन रहा था, उनमें से एक इम्तियाज करके कोई पाकिस्तानी, आई डोंट एग्री विद हिम फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, लेकिन वो खुद ही बता रहे थे कि किस तरह जो प्रार्थनाएं होती हैं काफिरों को मारने के लिए होती हैं। मतलब हाँ वो हाँ 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 प्रार्थना हाँ कर वही रहे हैं है। कि काफिरों को खत्म कर दें। तो ये किस प्रकार का प्रार्थना हुई, हाँ, बिल्कुल किस प्रकार की हुई, है ना? हाँ, सही बात है। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। मैं तो उस पे आऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन अब मैं बताता हूं आपको कि एक नमाज, आपने भी अपनी बात रख दी, अब आप देखिए कि उस नमाज के विषय में प्रेमचंद क्या कहते हैं। इस बात को समाप्त होते होते आपको लग जाएगा कि प्रेमचंद सबको मुसलमान बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि यदि आप किसी एक पंथ संप्रदाय की इतनी प्रशंसा कर दें तो स्पष्ट होता है कि शेष लोग चाहेंगे कि भाई हम तो उसमें है नहीं, हमें भी उससे जोड़ना चाहिए। देखिए,
नमाज की कवर, कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। वैसे यहां लाखों सिर जो लिखा है ये गलत है, क्योंकि उन्होंने जिस ईदगाह की बात की, किसी भी ईदगाह में लाखों सिर नहीं होते हैं, मक्का आदि को छोड़ दिया जाए तो, फिर भी अतिशयोक्ति को भी हम स्वीकार कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो है क्या, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं। देखिए कल्पनाशीलता, और यही क्रम चलता रहा। इतना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। मैं तो कह रहा हूं आदित्य जी, कोई मुसलमान मुल्ला भी इतना सुंदर वर्णन नहीं कर सकता जो काम प्रेमचंद। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, जैसे हमने पहले ही कहा कि इसमें तो साधना आराधना कुछ है नहीं। संयोग से प्रेमचंद भी ऐसा कुछ नहीं कहा, ये अच्छी बात है। वो क्रिया कह रहे हैं, सामूहिक क्रिया। अब आप देखिए भ्रातृत्व, यह जो भ्रातृत्व है, मुझे नहीं लगता कि प्रेमचंद ने इस पर अधिक विचार किया होगा इस शब्द पर, क्योंकि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तकों में विस्तार से वर्णन किया है कि इस्लाम में जो भ्रातृत्व है वो केवल मुसलमानों के लिए है, और मैं तो मानता हूं कि केवल मुसलमानों के लिए भी नहीं है, क्योंकि इतिहास में मुसलमानों ने आपस में जितने झगड़े किए, जितने युद्ध किए हैं, जितना एक दूसरों को मारा है, हत्याएं की हैं, संहार किया है, उसका कोई समानांतर इतिहास विश्व में नहीं है। इसलिए भ्रातृत्व छलावा है, छल है। और मैंने तो बहुत अध्ययन करके यह पाया है कि ये मस्जिद में जो कई बार सबको बिठा देते हैं कि समान है, यह भी मिथ्या है। देखिए बड़े बड़े मुसलमानों को मैं जानता हूं, कोठी वाले, हवेली वाले, वो तो अपनी हवेली में या अपने उसी में कहीं मस्जिद बना लेते हैं और उसी में रहते हैं, वो नहीं जाते दूर की मस्जिद में सामूहिक नमाज करने, नहीं जाते हैं वो। विद्याधर नेपाल जी, हमारे सूरज प्रसाद नेपाल जी ने पाकिस्तान का बड़ा अच्छा उल्लेख किया, जिसमें वो एक जाते हैं किसी मुसलमान के घर जो मुंबई में व्यापारी होता है, और आजादी के बाद, बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान चला जाता है, तो उससे मिलते हैं नेपाल जी, पूछते हैं कि भाई आपको क्या अंतर लग रहा है भारत और पाकिस्तान में। तो स्वीकार करता है कि व्यापार के हिसाब से तो भारत ही अच्छा था, लेकिन यहां एक विशेषता है, देखिए जहां मेरा घर है मैंने वहीं पर एक मस्जिद बना दी, यह सुविधा बहुत बड़ी है। वहां ऐसा शायद कठिनाई से होता और हमें जाना पड़ता था कहीं नमाज पढ़ने, अब तो मैं घर में ही नमाज पढ़ लेता हूं। तो इसलिए यह अपने आप में कोई अच्छी बात या बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रेमचंद ने वैसा कुछ और नहीं देखा। अब आप देखिए कि अब हम आते हैं कि इसमें चार पांच बच्चे हैं, जैसे मैंने कहा मुख्य पात्र जो प्रेमचंद का है उसका नाम है हामिद। इसकी आयु उन्होंने लिखी है, कहा है कि 4-5 वर्ष का बच्चा है। कोई भी अपने सामान्य बुद्धि से समझ सकता है कि 4-5 साल का बच्चा कितना बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन उसको इन्होंने अति बुद्धिमान, एक प्रौढ़ व्यक्ति की तरह से उसको दिखाया है। इस बच्चे का पिता मर चुका है, माँ भी मर चुकी है, इसकी एक बूढ़ी दादी है जिसका नाम अमीना है और उसी के साथ ये रहता है। संयोगवश में भी बता दूं कि ये जो अमीना नाम है, यह नाम मोहम्मद की माता का है, माँ का नाम है, लखनऊ में अमीनाबाद इसी से नाम से पड़ा है। तो इस हामिद की माँ का नाम अमीना है। अब देखिए कि ये ईदगाह की ओर पढ़े जा रहे हैं, तो बच्चे देख रहे हैं,
और उसका वर्णन प्रेमचंद ने किया है कि हामिद के साथी आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ गए हैं, सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं, देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयां ली मुझे किसी ने एक न दी, उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। ऐसे करके हामिद अपनी शिकायत कह रहा है बच्चों से, क्योंकि इसके पास में 2 या 3 पैसे। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयां, आप मुंह सड़ेगा, थोड़े फुंसियां निकलेंगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। और आगे प्रेमचंद लिखते हैं, किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं। अब आप बताइए, 4-5 साल का बच्चा तो आज भी पुस्तक ज्ञान से दूर रहता है, और ये जो प्रेमचंद कथा लिख रहे हैं उस समय कैसे उसको पुस्तक ज्ञान हो गया? ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता कि बूढ़ी उसकी अमीना दादी पढ़ी लिखी है। जैसे भी हो, अतिशोक्ति इसको मान लीजिए। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। अब आप शब्द पर ध्यान दीजिए, ये जो 5 मुसलमान बच्चे हैं इनके बीच शास्त्रार्थ हो रहा है। अरे मुसलमानों ने तो संसार में आज तक शास्त्रार्थ नहीं किया है, शास्त्रार्थ करने की योग्यता उनमें नहीं, क्योंकि जिस इस्लाम में कहा जाता हो कि दीन में अकल का कोई दखल नहीं, यानी तर्क की कोई तर्क के लिए कोई स्थान ही नहीं, उसको आप कैसे कह सकते हैं वहां पे शास्त्रार्थ हो रहा है? तो चलिए आप कह सकते हैं कि बच्चों की बातचीत के लिए शास्त्रार्थ शब्द का प्रयोग कर लिया। आगे देखिए क्या लिखते हैं, सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला। अब मेरी घोर आपत्ति शब्द से, भाई विधर्मी तो हम उनको कहते हैं जो धर्महीन है, जिसमें धर्म नहीं है, और धर्म तो एकमात्र है सनातन, शेष को हम धर्म कहते भी नहीं, उनको हम मजहब कहते, रिलीजन कहते, वे भी अपने आप को मजहब और रिलीजन कहते हैं, ऐसा नहीं कि हम कहते, हम उन्हें भी धर्मी कहते हैं। अब आप देखिए कि मुसलमान बच्चा, 5 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा पाला बदल के हामिद की तरफ गया, तो प्रेमचंद ने कहा वो विधर्मी हो गया। सब प्रयोग पर ध्यान दीजिए आप, क्यों आप इससे इनके इनके समाज में आप विधर्मी का प्रयोग कर रहे हैं? अरे विधर्मी तो 5ों हैं, उनमें धर्म है ही नहीं। लेकिन चलिए कोई नहीं, आपने कह दिया। तो ये 2-3 बातें थी ईदगाह को लेकर के, जो आपत्तियां मैंने अपनी रखी हैं कि प्रेमचंद ये जो नमाज का दृश्य का जो वर्णन किया है, और इस तरह से लगता है जैसे ये हिंदू समाज को मुख्यतः ये एक तरह का निमंत्रण दे रहे हैं कि भाई आप जाइए, मुसलमान बन जाइए, क्या बढ़िया नमाज होती है और क्या बढ़िया काम होता है, और इसमें छोटे बच्चों के माध्यम से इन्होंने ये बात रखी। अब मैं बढ़ता हूं जिसमें 2 ही 3 वाक्य हैं हमारे काम के, क्योंकि हमें अब अगली कथा पर जाना है जिसमें थोड़ा विस्तार से मैं बात बताऊंगा। उस कहानी का नाम है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर एक ऐसी कथा है जिसमें आदित्य जी एक व्यक्ति है जुम्मन शेख, मुसलमान है नाम से ही स्पष्ट है, दूसरा व्यक्ति अलगू चौधरी। अब अलगू चौधरी और जुम्मन शेख ये दोनों अलग अलग घटनाओं के क्रम में पंच बनाए जाते हैं अपने गांव, और जुम्मन शेख और अलगू चौधरी मित्र हैं, और कहा यह जाता है कि जब भी इन दोनों को अवसर मिला पंच के आसन पर बैठने पर का, तो इन्होंने वही किया जो पंच को करना चाहिए, यानी ये मित्रता को भूल गए, और इसी को दिखाने के लिए या सिद्ध करने के लिए प्रेमचंद ने कथा रची। तो मूलतः ध्यान से यदि आप देखें तो जो ये पंचायत है, पंच शब्द से जो बना है, उसमें 5 लोग होते हैं, ये हमारा विधान था, और ये हमारा प्राचीनतम व्यवस्था है हमारे यहाँ न्याय का, न्याय तंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है, और इसीलिए बहुत समय गंवाने के बाद भी
भारत सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था की और आज भारतवर्ष में हर क्षेत्र में पंचायती राज स्थापित हो चुका है। तो एक हिसाब से तो प्रेमचंद हिंदुओं की स्थापित न्याय व्यवस्था उसका प्रचार कर, लेकिन उन्होंने दो पात्र लिए हैं, यह भी अपने आप में बड़ा विस्मयकारी है कि क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप एक मुसलमान पात्र, लेकिन चलिए आपने ले लिया। इसमें मैं थोड़ा सा ही बताना चाह रहा हूं कि ये कहते हैं कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बचपन से दोस्त थे, दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा था। अब आगे का वाक्य ध्यान ध्यातव्य है, वे साथ साथ खाते पीते नहीं थे। यह एक वाक्य पूरे इस्लाम और हिंदू के शील स्वभाव चरित्र को दिखा देता है। मुसलमान क्या खाते हैं आपको पता है, बिना मांसाहार के उनका काम नहीं चलता। हिंदू सामान्यतः शाकाहारी होते हैं, स्वच्छता का निर्वाह करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, उनका भोजन तामसिक है। इन दोनों में संयोग नहीं बैठता है, इसीलिए लिखा है कि वे साथ साथ खाते पीते नहीं थे। धर्म भी दोनों के अलग थे। अब मेरी यहां पर फिर से घोर आपत्ति, इस्लाम धर्म कैसे हो? और यदि प्रेमचंद को यह समझ ही नहीं है कि इस्लाम धर्म है या नहीं है, तो फिर तो हम मानेंगे कि वो इस पद के योग्य नहीं थे जिस पद पे वो आसीन हो गए। भारत में जन्मा हुआ कोई व्यक्ति धर्म शब्द से अपरिचित हो, उसकी परिभाषा से अपरिचित हो, तो मैं तो मानता हूं कि उसको हम भारतीय और विशेषकर हिंदू कैसे माने? क्या इस्लाम धर्म है? धर्म क्या होता है? मनुस्मृति में जो धर्म की परिभाषा है कि जिसके पास धैर्य होगा, क्रोध नहीं होगा, जो विद्यावान होगा, जो चोरी नहीं करेगा, जो सत्य बोलेगा, इनमें से क्या कोई तत्व तो इस्लाम में है जिसका उद्देश्य यह है कि हम सारे विश्व को मुसलमान बना दें, तब तक जिहाद करते रहें जब तक कि इस्लाम दुनिया में सर्वत्र नहीं फैल जाता है, दूसरे शब्दों में सभी इस्लाम नहीं बन जाते। कैसे हम उसको धर्म कहेंगे? कैसे धर्म कहेंगे? जो धर्म के गुण मैंने बताए, जो मनुस्मृति में है, महाभारत में है, रामायण में है, महाभारत में तो न जाने कितनी बार है, विदुर बताते हैं उनके विषय में, विश्वपितामह बताते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि बताते हैं, हर कोई व्यक्ति जो परिभाषित करता है शब्द को धर्म को। और कुछ हो या ना हो, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्, तो आप परोपकारी हैं क्या? सारे संसार में रक्त फैलाना, रक्त बहाना, लोगों का संहार करना, और मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, किसी भी पशु के प्रति आप करुणाविहीन है, दयाविहीन है, उसको धर्म कहेंगे हम? तो ये जो इन्होंने लिखा है कि धर्म भी अलग थे। अब आगे सुनिए, विरोधाभासी जी, खाते पीते नहीं थे साथ में, धर्म भी दोनों के अलग थे, यानी उनका मजहब हमारा धर्म अलग था, केवल विचार मिलते थे और यही उनकी मित्रता का आधार थी। क्या मित्रता की परिभाषा है? अर्थात कोई एक डाकू हो, कोई एक साधु हो, लेकिन मान लीजिए सूरज गोल है कि लंबा है, पृथ्वी गोल है, क्या है, इन जैसे किसी विचार पर दोनों में साम्यता हो, दोनों में समानता हो, तो क्या वह मित्रता का रूप ले लीजिए? तो ये मैंने पंच परमेश्वर के विषय में कहा। दूसरा, प्रेमचंद ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उनकी कहानियों में फारसी के शब्द काफी आते थे। और आदित्य जी, मैं बचपन से, हमारे गांव में कोई किसी की मृत्यु होती थी तो ये कहा जाता था कि भाई कफन का कपड़ा ले, और मुझे बड़ा अजीब लगता था कि हमारे देश में दाह संस्कार 16 संस्कारों में से एक है, और मृत्यु पर्यंत उस व्यक्ति को
पवित्र गंगा जल से या जो भी जल उपलब्ध हो उससे नहलाया जाता है, जो भी होता है उसमें गंगा जल तो मिलाया ही जाता है अनिवार्य, उससे उस व्यक्ति को नहलाया जाता है और नहलाने के बाद एक नया वस्त्र पहनाया जाता है और उसके साथ ही, उसके बाद ही, उसके उपरांत ही दाह संस्कार प्रारंभ होता है। क्या हम उस वस्त्र का नाम नहीं जानते थे? क्या हम उसे वस्त्र नहीं कह सकते थे? प्रेमचंद जैसे लोगों ने कफन शब्द को इतना प्रचलित कर दिया कि आप हिंदू समाज में भी जाएंगे तो लोग कफन कहेंगे, दूसरा लाश कहेंगे। लाश क्या होती है मैं नहीं जानता, शव कहने में क्या आपत्ति है? अस्पतालों में जाएंगे लिखेगा मुर्दा घर, वो क्या होता है भाई? जबकि मुर्दा, मृत्यु, मौत, ये सारे शब्द मृत्यु से ही निकले हैं, फिर भी तो ऐसे शब्दों का हमारे हिंदू धर्म में, समाज में प्रचलित कर देना, जो शुद्ध रूप से हमारे धार्मिक और अच्छे शब्द होने चाहिए थे, मैं समझता हूं कि प्रेमचंद का इस सब चीजों में भी बड़ा हाथ रहा है। और अब जो मैं सुनाने जा रहा हूं उससे तो हमारी आंखें खुल जाएं। एक कथा है नबी का नीति निर्वाह, नबी का मतलब मोहम्मद, प्रेमचंद की कथा है, कहीं मैंने पढ़ा कि 1924 के आसपास की कथा है ये। अब आप देखिए कि इसमें संक्षेप में कथा यह है कि मोहम्मद की एक बेटी है और उस बेटी का जो क्या कहें, उस समय विवाह होता था या वो निकाह होता था, तो अबुलास नाम के व्यक्ति से मोहम्मद की बेटी यानी जैनब का निकाह होता है। अबुलास जो है मुसलमान नहीं, वैसे आपको ज्ञान होगा कि वहां कोई मुसलमान नहीं था मक्का में, और इसको प्रेमचंद ने लिखा भी है कि हजरत मोहम्मद को इल्हाम हुए थोड़े ही दिन हुए थे। इल्हाम से यहां मतलब है खुदा की ओर से जो उसको, उनको कुछ मिला होगा, ज्ञान तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो भी कुछ मिला और बाद में उसमें वो कुरान बन गया तो उसको इल्हाम बोलते हैं। तो हजरत मोहम्मद को इल्हाम हुए थोड़े ही दिन हुए थे, 10-5 पड़ोसियों और निकट संबंधियों के सिवा अभी और कोई उनके दीन पर ईमान न लाया था। और ये सच्चाई है, क्योंकि पूरा जो इस्लामी इतिहास है उनमें कहा जाता है किसी में 60, किसी में 62, किसी में 72, लेकिन कोई व्यक्ति 72-74 को पार नहीं करता। और ये क्या स्थिति है कि 610 से लेकर के पता नहीं कितने वर्षों तक, 622 तक, 12 वर्षों के अथक प्रयास के बाद भी मोहम्मद को कठिनाई से 60-70 लोग इनको मिलते हैं जिनको ये मुसलमान बनाते हैं। और इनके भी दो कारण हैं, इनमें से अपने परिवार, कुटुंब, संबंधी लोग हैं अधिकतर, और जो थोड़े बहुत संबंधी नहीं हैं वो इनके पैसे के कारण इस्लाम को कबूला हुआ है। पैसे की क्या स्थिति है तो आप जानते ही हैं कि मोहम्मद का जो निकाह होता है, विवाह होता है, जो भी कह लीजिए, वो खदीजा से होता है, और खदीजा मक्का की कहा जाता है पढ़ी लिखी महिला है, उनके पास संपत्ति है, क्योंकि उसी के यहाँ मोहम्मद पहले नौकर हुआ करते थे। तो विवाह के कारण कुछ धन संपत्ति आती है और ये लोभ लालच के कारण कुछ लोग इनसे जुड़ते हैं, जो कि प्रेमचंद ने लिखा है। यहां तक कि उनकी लड़की जैनब और दामाद अबुलास भी, जिनका विवाह इल्हाम के पहले ही हो चुका था, अभी तक नए धर्म में दीक्षित न हुए थे। अब देखिए मेरी आपत्ति तो दूसरे ही वाक्य से शुरू हो गई, नए धर्म में दीक्षित होना। अभी आप थोड़ी देर पहले अपने गुरु के संदर्भ में दीक्षा की बात कर रहे थे, इस्लाम कबूल करना कोई दीक्षा है? उसमें कौन सी अच्छी बात है जिससे व्यक्ति दीक्षित होकर के अपने जीवन का, जीवन को अच्छाई के मार्ग की ओर, या कहीं और कहिए कि जिसको हम कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय,
प्रकाश की ओर व्यक्ति चला जाता है, और प्रेमचंद के समय में संभवतः इतना तो नहीं बदलाव आया था, लेकिन आज तो कोई व्यक्ति संसार को अपनी आंखों से देख सकता है। यह संसार आज की तिथि में सबसे अधिक आतंकित, प्रभावित, नकारात्मक रूप से, और कह सकते हैं कि जिसको कहते हैं उत्पात, उपद्रव के कारण, उसका मूल कारण आज इस्लाम। इससे पहले मूल कारण ईसाइयत थी, या ईसावाद जिसको मैं कह रहा, ईसावाद की नकल करके इस्लाम आ गया। इस्लाम ने भी और आगे बढ़ करके वही धंधा अपनाया, और उनमें सबसे बड़ी बात है कि आज तक रत्ती भर परिवर्तन नहीं आया। ईसाइयों में थोड़ा सा अपने आप को यह कहने में कि हम तार्किक हो गए हैं, उसका उन्होंने दामन थाम लिया, चोंगा पहन लिया, कपड़ा पहन लिया, भले ही वो पूरी तरह तार्किक हो या ना हो, लेकिन कुछ भी लोक लाज के कारण। लेकिन इस्लाम में ऐसा कोई बदलाव का तत्व तो अभी तक प्रविष्ट नहीं हुआ है, निकट भविष्य में ऐसा होगा इसकी संभावना भी नहीं लगती। यही कारण है कि आज इस्लाम अपने जीवन के सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है, और इस पर जो चोट पड़ी है, मैं मानता हूं वो यूरोप के क्रूसेड से भी बड़ी चोट है, स्पेन की हार से भी बड़ी हार है, उस्मानी साम्राज्य की हार से भी बड़ी हार है, क्योंकि यह हार आंतरिक है। आज सारे विश्व में कितने करोड़ों लोगों ने इस्लाम को त्याग दिया है और वे एक्स मुस्लिम बन गए। और मुझे प्रेमचंद को पढ़ते पढ़ते बड़ा कहिए कि आत्मीय दुख हुआ कि मेरी बात तो छोड़ दीजिए, आज यदि कोई एक्स मुस्लिम, जो जो कहानी मैंने सुनाई है प्रेमचंद की, उनको पढ़ ले, वो उनको कभी क्षमा नहीं करेगा। वह यह भी बता देगा कि इनको इस्लाम के असली स्वरूप, वास्तविक स्वरूप से परिचय नहीं था, या इनका कुछ और एजेंडा था, ये एजेंडाधारी थे। तो कैसे लिख दिया कि अभी तक नए धर्म में दीक्षित न हुए थे? धर्म में दीक्षित होना शब्दावली से ही आपको समझ में आ जाएगा। अरे आप कहते हैं कि इस्लाम मजहब नहीं अपनाया, आगे देखिए, ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे कि आपका रक्त उबल जाएगा। जैनब कई बार अपने मैके गई थी और अपने पिता के ज्ञानोपदेश सुने थे, वह दिल से इस्लाम पर श्रद्धा रखती थी। श्रद्धा, देखिए, श्रद्धा शब्द है, उनका अपना शब्द कोई होगा, आप उसको लेते, श्रद्धा कैसे आप ले रहे हैं? लेकिन अबुलास के कारण दीक्षा लेने का साहस न कर सकते। अबुलास विचार स्वातंत्र का समर्थक था, उसे इहलोक से इतनी फुर्सत न थी कि परलोक की चिंता करे। यह बात वैसे ठीक लिखी है प्रेमचंद ने, क्योंकि इस्लाम में इहलोक की चिंता नहीं होती है, वहां पर बस वही जन्नत की चर्चा होती है। लेकिन उसके साथ भी प्रेमचंद ने न्याय नहीं किया, उस मतलब एक हिंदू होने के कारण इस्लाम के उस स्वरूप की भी व्याख्या अच्छी तरह से प्रेमचंद ने नहीं की है। प्रेमचंद आगे कहते हैं कि इनको स्वर्ग की आशा है, इसलिए इनमें लड़ने की क्षमता है। स्वर्ग की आशा नहीं है, ये हूरों के साथ मिलने की उत्तेजना है। वहां पर भूखे नंगों को भोजन मिल जाएगा, वह भी भोजन वो जो उनके लिए जमीन पर अकल्पनीय है। ये सब बातें प्रेमचंद ने नहीं लिखी हैं, ये सच्चाई है, ये कुरान में लिखा है। तो जैनब के सामने कठिन समस्या थी, आत्मा धर्म की ओर थी फिर गलत, मजहब की ओर थी, हृदय पति की ओर, न धर्म को छोड़ सकती थी न पति को। घर के अन्य प्राणी मूर्ति पूजक थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रेमचंद का माथा क्यों नहीं ठनका? अरे मक्का में मंदिर था,
इस्लामी इतिहास बताता है, हमारी आपकी तो बात छोड़ दीजिए, 360 से कम वहां मूर्तियां नहीं थी। उन मूर्तियों को मोहम्मद और मोहम्मद के साथियों ने तोड़ डाला, तो वहां तो सारे के सारे सब कुछ हिंदू धर्म का था, सब हिंदू थे, सनातनी थे। आदरणीय पंकज जी की पुस्तक है बनावटी मुसलमान, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से इसको सिद्ध किया है कि इनके जो पुरखे थे, इनके जो पूर्वज थे, ये सभी सनातनी थे। भगवान शंकर को पूजते थे, अन्य भगवानों को ही पूजते थे। ये लिखा है प्रेमचंद। तो घर के अन्य प्राणी मूर्ति पूजक थे और इस नए संप्रदाय के शत्रु थे। अब देखिए, नया संप्रदाय हो गया इस्लाम, शत्रु कौन बन गया? मूर्ति पूजक। यानी प्रकारांतर से भारत में बैठे हिंदुओं को ये बता रहे हैं कि तुम इस्लाम के शत्रु थे। इसके बाद में इसमें और भी बहुत सारी बातें होती हैं कि कैसे जो जैनब है, मोहम्मद की बेटी, उसके सामने यही संकट है कि पति तो मूर्ति पूजक है, या पति ने अभी तक इस्लाम को कबूला नहीं है, वो क्या करे? तो दुविधा में होती है। तो उसी के विषय में लिखा है कि एक बार जो है वो अपने पिता यानी मोहम्मद के पास आती है ये कहने कि भाई मुझे इस्लाम अपनाना है। उससे पहले यहां पर एक दो वाक्यों का प्रयोग हुआ है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। धर्म का अनुराग एक दुर्लभ वस्तु, किंतु जब उसका वेग उठता है तब बड़े प्रचंड रूप से उठता है। इस एक वाक्य का पहला हिस्सा यदि इतना ही कहा जाए कि धर्म का अनुराग एक दुर्लभ वस्तु है, तो हम मानेंगे कि शुद्ध सनातनी विचार है। जब आप उसमें यह जोड़ते हैं किंतु जब उसका वेग उठता है तब बड़े प्रचंड रूप से उठता है, यह इस्लामी ईसाइत का स्वभाव हो सकता है, हमारे धर्म का। इसीलिए मुझे घोर आपत्ति होती है जब समाचार पत्रों में या टीवी पे धर्मांध शब्द का प्रयोग होता है। धर्म से कोई व्यक्ति अंधा हो ही नहीं सकता। धर्म तो प्रकाश है, धर्म सत्य है, धर्म से कैसे कोई अंधा हो जाएगा? बहुत से बहुत आप दारता पूर्वक मतांध कह सकते कि किसी मत के प्रभाव में आप अंधे हो। धर्म यदि किसी को अंधा करता है तो धर्म नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है परंतु धर्म नहीं हो सकता। दोपहर का समय था, धूप इतनी तेज थी कि उसकी ओर ताकते हुए आंखों से चिंगारियां निकलती। मोहम्मद अपने मकान में चिंतामग्न बैठे थे, निराशा चारों ओर अंधकार के रूप में दिखाई देती थी। खदीजा भी पास बैठी हुई एक फटा कुर्ता सी रही थी। अब ये जो देखिए फटा कुर्ता सी रही थी, ये नाटकीयता उत्पन्न करने के लिए प्रेमचंद। खदीजा तो धनवान थी, उसके पास पैसों का अभाव नहीं था। अब मोहम्मद ने जरूर पैसे लोगों को कुछ लुटाए, कुछ लोगों को खिलाया पिलाया। कितने लोगों को खिलाया? 10-20 लोगों को। तो इतना धन तो होगा खदीजा के पास, लेकिन यहाँ पर वो ही है कि आपको सिद्ध करना है कि ये लोग बड़े ही जमीन से जुड़े हुए लोग थे, धन दौलत नहीं थी। खैर, तो खदीजा भी पास बैठी हुई एक फटा कुर्ता सी रही थी। धन संपत्ति सब कुछ इस लगन के भेंट हो चुकी थी। ये बात आई गई, मतलब धन संपत्ति जो है इस्लाम के नाम पर भेंट हो चुकी है। विधर्मियों का दुराग्रह दिनों दिन बढ़ा जा रहा था, इससे तो मुझे घोर आपत्ति है। आप विधर्मी उन्हें कह रहे हैं जो मूर्ति पूजक हैं, और आप जो विधर्मी है उनको आप धर्मी कह रहे हैं। तो इसके बाद में जैनब आती है और जैनब से बहुत बातचीत होती है पिता की के बीच, और पिता ने थोड़ा समझाया बुझाया कि भाई तुम्हारा पति तो किसी खुदा को नहीं मानता। अब इसमें देखिए क्या वाक्य है, ये भी वाक्य हमारे देखने के लिए है। मोहम्मद का कहना है बेटी अब्दुलास ईमानदार है,
अब ईमानदार शब्द कह दिए, ईमानदार शब्द का शाब्दिक अर्थ ही है जो मुसलमान हो, जो ईमान लाया हो। लेकिन यहां पर ईमानदार सदाचार से, तो बेटी अबुलास ईमानदार है, दयाशील है, सत्यवक्ता है, किंतु उसका अहंकार शायद अंत तक उसे ईश्वर से विमुख रखे है। अब बताइए आप अल्लाह को ईश्वर कह रहे हैं, यहां अल्लाह शब्द नहीं है इस पूरी कहानी में, खुदा शब्द भी नहीं है, मतलब आप सोच सकते हैं आप उस अल्लाह को ईश्वर कह रहे हैं, कैसे ईश्वर कह देंगे आप। और आगे कहते हैं कि तुम तो कुछ, वो तो कुछ नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, स्वर्ग और नरक को नहीं मानता, कहता है सृष्टि संचालन के लिए खुदा की जरूरत ही क्या है, हम उनसे क्यों डरे, विवेक और बुद्धि की हिदायत हमारे लिए काफी है। अब आगे देखिए जो वाक्य, आदित्य जी आपको कितना दुख होगा, आप धर्म प्राण व्यक्ति हैं, अधर्म को जीतना आसान है। 16वां चैप्टर में अनीश्वरम भगवान यू बोलते हैं हाँ कि असुर जो हाँ है अपने आप को हाँ सोचता है कि कोई ईश्वर ही नहीं है, सही ये बात, पूरी सही बात, दुनिया काम बिल्कुल। भावना से चल रही है, ये बोलता है असुर, ये सोचता है, ये सेम माइंडसेट है इधर। अब ये वाक्य सुनिए कितना आनंद का है आपको, मैंने मतलब दुख होगा, आनंद क्या कहूं, मैं उल्टी बात कह रहा हूं। अधर्म पर जीतना आसान है, देखिए ये क्या कह रहे हैं, पर जब वह दर्शन का रूप धारण कर लेता है तो अजेय हो जाता है। अब मुझे कोई समझा दे इसका क्या मतलब है कि अधर्म को जीतना आसान है पर मतलब जब वह बहुत दर्शन का रूप धारण कर देती, अर्थात अधर्म ही दर्शन का रूप, अधर्म दर्शन का रूप कैसे धारण करेगा भाई, ये तो रावण के भक्त लगते अधर्म हैं। में दर्शन कहां से आएगा मुझे बताइए आप। तो उसका जीतना अजेय है। इसमें आगे जो है इसी तरह से, मैं इसमें एक थोड़ा सा ऐड करूंगा, दर्शन तो तत्वदर्शी को बोलते हैं, जो तत्वदर्शी है उसको बोलते हैं, तो यहाँ पे तत्व की बात ही नहीं हो रही कहीं पर भी, ये तो नहीं बात रसाभास नहीं है, बात ये नहीं, रसाभास है, बस हाँ उल जलूल शब्द फेंके हुए हैं ऐसा लग रहा है। इसीलिए आप देखिए ना, इस्लाम में दर्शन है ना, ईसाइयत में दर्शन, दर्शन है ही नहीं उनके पास, दर्शन तत्व ही नहीं है। हाँ अगर मनन नहीं, चिंतन नहीं, तो दर्शन कहाँ से होगा? सही बात, सही बात। आगे मैं सुनाता हूँ और इसमें वाक्य सुनाता हूँ। अब देखिए एक जगह वाक्य आता है कि अबू सुफियान की बात हो रही है, आपको यदि इस्लाम का इतिहास पता हो तो अबू सुफियान मक्का का आदमी है जो मोहम्मद से युद्ध करता है, लड़ता है, और उस युद्ध का काफी वर्णन है विस्तार से इस्लामी इतिहास। यहां मैं आपको बता रहा हूं कि क्या कैसे कैसे शब्द का प्रयोग प्रेमचंद ने किया है, और अभी जो मैंने ईदगाह में पढ़ा है वो देखिए, वो एक पैटर्न है जिससे प्रेमचंद दूर नहीं हो रहे हैं। लिखा है कि अबुलास ने, यानी कि मोहम्मद के दामाद ने, जमाई ने लकड़ी संभाली और ससुराल जा पहुंचे, शाम हो गई थी, हजरत अपने मुरीदों के साथ मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे। अब हजरत से यहां तात्पर्य है मोहम्मद से, तो मोहम्मद अपने मुरीदों के साथ मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे, अबुलास ने उन्हें सलाम किया और जब तक नमाज होती रही गौर से देखते रहे, आदमियों की कतारों का एक साथ उठना बैठना सजदे करना देखकर उनके दिल पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था। आदित्य जी सुनिएगा, वह अज्ञात भाव से संगत के साथ बैठते झुकते और खड़े हो जाते, वहां का एक एक परमाणु इस समय ईश्वरमय हो रहा था, वहां का एक एक परमाणु इस समय ईश्वरमय हो रहा था, एक क्षण के लिए अबुलास भी उसी भक्ति भाव में आ गए। अब लीजिए मतांतरण हो गया, वह व्यक्ति मुसलमान बनने के लिए तैयार हो गया। तो प्रेमचंद ने ठेका लिया था कि हम सबको मुसलमान बना के रहेंगे। अब आपने देखा कितनी समानता है वहां पर नमाज का वर्णन और यहां पर नमाज का, वहां संयोगवश कोई हिंदू नहीं खड़ा था जो ये कहता कि चलो हाँ बहुत अच्छा है, हम तो धर्म में हो गए, ये हो गए, हो गए। और मुझे तो आपत्ति है कि वहां का एक एक परमाणु इस समय ईश्वर में, जिस व्यक्ति को ईश्वर का अर्थ नहीं पता,
उसको वह अल्लाह से भिन्न नहीं मानता, हुआ तो मेरी दृष्टि में क्या कहा जाए, साहित्यकार बनने योग्य तो नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कवि को, कोविद को, साहित्यकार को एक तरह से प्रकाश माना जाता है, जो प्रकाश दे समाज को, क्योंकि तो समाज उसकी ओर देखता है, कितना छल किया इस व्यक्ति ने हमारे समाज के साथ, कितना छल किया होगा प्रेमचंद ने, आप देखिए आप क्या भाव विभोर होते हैं जब आप इस्लाम का वर्णन करते हैं। कभी हिंदू धर्म के लिए आपने ऐसा नहीं लिखा, आपके सारे उपन्यास में हिंदू धर्म में अनेक त्रुटियां हैं, उनका सुधार कैसे हो, परिष्कार कैसे हो, यही आप लिखते जाते हैं। आपने ठाकुर का कुआं लिख दिया जिसमें जाति का भयंकरतम रूप आपने दिखाने का प्रयास किया, जो मिथ्या के सिवा कुछ नहीं, कि हमारे देश में जितने गरीब हैं कुछ श्रमिक भी थे, आराम से कुआं खोद सकते थे, कुआं किसी एक व्यक्ति की पपौती क्यों होगी, पानी पिलाना, लोगों को प्यासा न रखना हमारा बहुत बड़ा धार्मिक गुण है, हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है, लेकिन वो उन्होंने किया। अब आगे क्या होता है इस कथा में, जो मैं मोटे तौर पर बताना चाह रहा हूं, इसमें होता यह है कि अबू सुफियान, जिसके साथ मोहम्मद का जो दामाद है अबुलास, वो चला जाता है, वो उस पक्ष में आ जाता है, और दूसरी ओर ये मोहम्मद है और इनके साथ, इनके बीच में घोर युद्ध होता है। युद्ध में मोहम्मद की विजय होती, और ये विजय जो होती है उसके विषय में भी प्रेमचंद ने जो लिखा है वो तो मेरी दृष्टि में तो हास्यास्पद है, क्योंकि आज यदि आप इस्लाम को पढ़ना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि मोहम्मद ने कोई युद्ध किया ही नहीं, मोहम्मद ने छापेमारी की है, छल प्रपंच किया है, पीछे से धोखा दिया है लोगों को, युद्ध नहीं था, लेकिन यहां पर युद्ध की बात की है और इस्लाम की कितनी प्रशंसा कर रहे हैं प्रेमचंद, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लिखते हैं प्रेमचंद, घोर संग्राम हुआ, दोनों दलों ने खूब दिल के अरमान निकाले, भाई भाई से, मित्र मित्र से, बाप बेटे से लड़ा। अब बताइए इस्लाम की कौन सी विशेषता है भाई, भाई भाई से, मित्र मित्र से, बाप बेटे से लड़ा, सिद्ध हो गया कि धर्म का बंधन, फिर धर्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, धर्म का बंधन रक्त और वीर के बंधन से सुदृढ़ है, दोनों दल वाले वीर थे, अंतर केवल यह था मुसलमानों में नया धर्मानुराग, फिर से वही बात आ गई, धर्म का अनुराग था, मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की आशा थी, और मेरा यही कहना है कि स्वर्ग की आशा के लिए कोई मर नहीं सकता। अरे ये लड़के थे 17, 18, 15, 16 साल के, जिनके जिनको उन्मादी बनाया गया, जिनको उत्तेजित किया गया, उस जन्नत में हूरों की कहानियां सुनते या कहानियां गढ़कर, लेकिन प्रेमचंद वो नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो लिखेंगे तो फिर तो इनका कमजोर हो जाएगा एजेंडा। दिलों में आत्मविश्वास था, जो नवजात संप्रदायों का लक्षण है, मतलब तो नए संप्रदाय में आत्मविश्वास होता है, विधर्मियों में बलिदान का वह भाव लुप्त था। मैं बता रहा हूं इस वाक्य के लिए प्रेमचंद को क्षमा नहीं किया, मूर्ति पूजकों को फिर से वो विधर्मी कहे, विधर्मियों में बलिदान का यह भाव लुप्त था, बलिदान नहीं कर पाते, कई दिन तक लड़ाई होती रही, मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी, पर अंत में उनके धर्मोत्साह ने, धर्म का जो उत्साह था उसने मैदान मार दिया, विधर्मियों में अधिकांश मर गए, काम आ गए। अंत इसका क्या है, अंत है कथा का, इस लड़ाई का, कि अबुलास जैनब, जैनब का पति, वो भी युद्ध में है और वो युद्ध बंदी बन जाता। अब आप देखिए कि युद्ध बंदी वो बना हुआ है, उसके साथ अनेक लोग बने हुए, वहां पर एक पंचायत की तरह सिस्टम बनाया जाता है, जो मोहम्मद ने बनाई है, बनाया था,
और जितने युद्ध बंदी हैं उनको बुला बुला करके उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो दंड नहीं होता। ये अजीबोगरीब स्थिति है। इसको कहते हैं, एक शब्द आया है इसमें, हदिया। हदिया का मतलब है मुक्ति धन, यानी तुम पकड़ लिए गए हो कहीं पर और तुमको छुड़वाना है तो तुम कुछ पैसे दे दो। तो एक एक करके उस न्याय प्रणाली में लोग आते हैं और उनको दंड होता है, और दंड के अनुरूप उनके घर वाले आते हैं, वो कुछ पैसे देते हैं। जैसे जैसे पैसे देते हैं वो छूटते चले जाते हैं। एक अबुलास ही है जिसके पास में पैसे नहीं है लेकिन एक बहुत कीमती हार है। तुमको तो मोहम्मद का दामाद है, तो मोहम्मद की जो पहली पत्नी थी खदीजा, उसने एक हार दिया था, उसको महंगा सा हार। तो उसने पंचों को बताया कि भाई ये हार तुम ले लो, मेरी जान छोड़ दो। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, नहीं, ये हार मेरे हमारे लिए बहुमूल्य नहीं है। तो उसने कहा कि मैं तो इसके लिए जीवन, मेरे लिए सबसे जीवन की सबसे अच्छी बहुमूल्य वस्तु है। अंत में बात यह आती है कि ये लोग कहते हैं तुम अपनी पत्नी को दे दो, यानी जैनब को दे दो, तब हम तुमको छोड़ेंगे। आप सोचिए आदित्य जी, ये कैसी न्याय प्रणाली है जिसमें हर एक युद्धबंदी से पैसा लिया जाता है, यानी कि जिसको आप कहते हैं फिरौती लेना, कि आपने किसी का अपहरण कर लिया, आप फिर कहा कि नहीं इतने पैसे दो तो मैं छोड़ूंगा। ये चीज है यहां पर लिखी हुई। अंत में जैनब को दे देता है वो, और इसके नीचे प्रेमचंद क्या कहते हैं, कितनी तगड़ी न्याय व्यवस्था है कि मोहम्मद का दामाद भी दंडित होता है। अब आगे देखिए, एक बार और युद्ध होता है और इस युद्ध का फिर से ये पकड़ा जाता है। इस बार जब पकड़ा जाता है तो इससे कहा जाता है कि तुम्हारे पास तो कोई संपत्ति नहीं है। जैनब पहले ही भाग गई थी, उधर चली गई थी, फिर भी आरजू मिन्नत करके पता नहीं कैसे जैनब वापस आ गई। ध्यान से सुनिए, एक ही वाक्य है कि जब जैनब इसके पास में आ जाती है, इस बार जो पंच बनता है वो मोहम्मद स्वयं पंच बनता है। मोहम्मद पंच है और सामने कौन है, दामाद। और इसमें दिखाया गया है कि ये बहुत ही अच्छे पंच हैं, न्याय प्रिय हैं, और इन्होंने कहा कि तुम्हारे पास यदि कोई पैसा नहीं है तो तुम हम लोगों के गुलाम रहोगे जिंदगी भर। जब ये फैसला करते हैं गुलाम रहोगे जिंदगी भर, तो वहां पर सन्नाटा छा जाता है और सब लोग मोहम्मद जो है उनकी न्याय प्रियता की के लिए ताली बजाने लगे। उस बीच में देखिए क्या होता है, जैनब को जब जानकारी मिलती है तो वो कूदती हुई आती है और वो कहती है कि अगर मेरा शौहर गुलाम है तो मैं उसकी लौंडी हूं। अब सब देखिए, लौंडी का मतलब होता है सेक्स स्लेव। क्या घृणित चीज है, और क्या प्रेमचंद प्रशंसा किए जा रहे। फिर भी अंततोगत्वा वहां पर जो और बड़े बड़े कुछ मुसलमान बैठे हैं वो सब प्रभावित हो जाते हैं मोहम्मद की न्याय प्रियता से, और कहते हैं कि नहीं, मोहम्मद ने जो कर दिया, लेकिन हम लोग इसको नहीं मानते हैं, तुमको हम मुक्त करते हैं। अब देखिए अंत में जो दो वाक्य हैं वो सुनिए, तो आप सर पीटिएगा कि प्रेमचंद क्या लिखते हैं। खुदा का रसूल न्याय और नीति को अपने व्यक्तिगत भावों से कलंकित नहीं कर सकता। और मैं बताऊं, सच्चाई यह है कि मोहम्मद के इस्लामी हिस्ट्री में कोई ऐसा कृत्य नहीं है जिससे लगे कि वो व्यक्ति न्याय प्रिय। कोई ऐसा कृत्य नहीं, और अन्यायी व्यक्ति। सहाबियों ने हजरत की न्याय व्यवस्था व्याख्या सुनी तो मुग्ध हो गए। सहाबी का मतलब है मोहम्मद के साथी। और अंत में प्रेमचंद क्या लिखते हैं, जो उनका उद्देश्य था कि हिंदुओं को मुसलमान बना दिया जाए, वो वाक्य मैं सुनाता हूं आपको। न्याय का इतना ऊंचा आदर्श, मर्यादा का इतना महत्व, आह, नीति पर अपना संतान प्रेम तक उछावर कर दिया। महात्मा तुम धन्य हो। प्रेमचंद कहते हैं कि महात्मा ऐसे ही ममताहीन सत्पुरुषों से संसार का कल्याण होता है। क्या मोहम्मद ने कल्याण किया है भाई, आज तक जो लोग मारे जा रहे हैं आतंकित हैं।
ऐसे ही नीति पालकों के हाथों जातियां बनती हैं, सभ्यताएं परिष्कृत हुई। ये अंतिम बात, सभ्यताएं परिष्कृत हुई है इस्लाम से। आदित्य जी, मैं कह रहा हूं इसको पढ़ के कोई जो थोड़ी बहुत इसके पास में समझ होगी हिंदू धर्म की, वह तो व्यक्ति सामान्य नहीं रह सकता। और ये संपूर्ण जो हमारी वार्ता थी प्रेमचंद के ऊपर थी, जिसको इस देश ने इतना बड़ा नायक बना दिया। कैसे नायक बना दिया, कैसे इतना प्रसिद्ध कर दिया, जिस व्यक्ति ने तो हिंदू धर्म की जड़ खो दी है। एक जो कहावत है, जड़ों में मट्ठा डाला है। अब ऐसी कहानी बच्चे पढ़ेंगे, क्या उनका अनुराग हिंदू धर्म के प्रति होगा, क्या उनकी श्रद्धा हिंदू धर्म के प्रति होगी? आप कितना बड़ा इस व्यक्ति ने छल किया हिंदू समाज के साथ, क्या कहा जाए इस व्यक्ति। 16वां चैप्टर ऑफ मैं अपनी वाणी को गीता यहीं पर विराम देता हूँ कि इज 1 घंटा हो गया। मैं सोचता हूँ कि दर्शक इतने में ही आनंदित हो जाएंगे। मतलब वो ये शास्त्र, मतलब वो बोलते हैं ना, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत नस नवाप हाँ, धर्म। तो धर्म से इनका कोई संबंध ही नहीं है कहीं पर भी, कोई संबंध, कोई कोई संबंध, संबंध। कोई संबंध। और इनकी रचना में भी विरोधाभास है हर जगह, बिल्कुल और बिल्कुल। रसाभास भी है, जो जिस रस में लिखना चाहते हैं उसके विपरीत शब्दों का यूज कर रहे हैं। और मैं तो बहुत ही छोटा लेवल पे हूँ, तो मैं इतना भी विश्लेषण नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी ये शब्दों का, जिस तरह आपने बताया, शब्दों का प्रयोग से पता लगता है कि ये व्यक्ति कंफ्यूज्ड है, ये भावों में बह के लिख रहा है, जो कि लेखक का कार्य नहीं होना चाहिए। सही बात, सही बात, लेखक सही लेखक को ऑब्जेक्टिविटी रखनी चाहिए, उसको एक व्यू पॉइंट पे ही बात करनी चाहिए, जो इसका एक व्यू पॉइंट हो। इनका कोई व्यू पॉइंट ही नहीं लग रहा मुझे कहीं पर, यही लग रहा है कि ये एक किसी को प्लीज करने के लिए लिख रहे हैं, किसी को पसंद करने, मतलब किसी को खुश करने के लिए लिख रहे हैं, है ना। अभी तो आदित्य जी एक कथा बाकी रह गई, जिहाद हम कभी और चर्चा करेंगे उस पर, क्योंकि हाँ तो थोड़ी सी लंबी कथा है, लेकिन उसमें उन्होंने और गलत काम किया है। मतलब उसमें इस्लाम को ऐसा दिखाया है, जो जो रूप दिखाया है वो भी अफगानिस्तान में, जो आप कभी सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, उनकी उदारता, वो लिखते हैं कि करुणामय उनका स्वरूप मुसलमानों का। अब आप देखिए, एक बात मैं कहना चाह रहा हूं अंत में, प्रेमचंद जब लिख रहे थे उसी समय मोपला हो चुका था हमारे यहाँ, हजारों हिंदुओं को जिहादियों ने मारा। प्रेमचंद दक्षिण भारत की भी यात्रा करते थे, उनको सब तो पता ये था। क्या ऐसा तो नहीं है स्टॉकहोम सिंड्रोम से ग्रसित हो? अरे ये कौन से सिंड्रोम से ग्रसित है, इसका तो पता लगाना चाहिए, इसका तो पता लगाना चाहिए आदित्य जी। लेकिन इतना तो साफ दिख रहा है कि जिस व्यक्ति को आप देखिए ना, मतलब गोदान जैसा उपन्यास जिसको विश्व प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है, उसमें ठूसा हुआ एक एक एक, एक, एक पात्र जिसका नाम है मिर्जा। आपको समझ में नहीं आएगा मुसलमान आया क्यों उस कथा में। ये ठूसा हुआ है ये दिखाने के लिए कि मुसलमान कितना अच्छा है, कितनी आवश्यकता है उसकी। पर हिंदू धर्म देखेंगे तो एक से एक बुराइयां हैं उसमें, जातियां हैं उसमें, विधवा है उसमें, ये है उसमें, वो है, यही सब दिखाने। कोई गुण नहीं दिखाते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे अंदर क्या गुण था, उस गुण को उभारो, ऊपर लाओ। ये बड़ा दुखद है आदित्य जी, मैं तो बहुत पीड़ित रहा। और ईदगाह को पढ़े हुए तो मुझे 30 वर्ष से ऊपर हो गए, 40 वर्ष से ऊपर हो गए, पर तभी से मेरे मन में ये बात थी। ऐसी बात नहीं कि मैं आज कह रहा हूं, ये जो लाखों बत्तियां जलती हैं और बुझ जाती हैं, ये जो दृश्य उत्पन्न कर रहे हैं वो प्रेमचंद, वो मेरे गले तब भी नहीं उतरा। नहीं कहा भाई ये इस्लाम में इतना कैसे, मतलब आप अपूर्व दृश्य, उसका नाम दिया अपूर्व दृश्य, मतलब इनके लिए कभी उससे पहले वो दृश्य नहीं देखा था नमाज पढ़ने का, जो शुद्ध रूप से मिलिट्री एक्सरसाइज है दूसरों को डराने के लिए। सड़क पे पढ़ना, मैं हाँ, कहीं भी पढ़िए आप, ट्रैफिक को वो कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर, और प्रेमचंद को कुछ दिख नहीं रहा भाई, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए मुझे तो लगता है आदित्य जी कि ये सब हमारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, और ये तो धन्य भाग है कि हम लोग इस युग में जी रहे हैं। जो आपने भी उस दिन कहा था कि सोशल मीडिया है, हमारी बात
कहीं हम रख सकते हैं। और हिंदू धर्म के लिए मैं मानता हूं कि पिछले 100-150 साल में इस स्वर्णिम समय जब एक हिंदू अपने मन की बात रख सकता है सार्वजनिक मंचों पर, और आज वो बातें सुनी जा रही हैं और लोगों में परिवर्तन देखा जा रहा है, ये बड़ा अच्छा सुयोग है। नहीं, देवताओं का सहयोग है, क्योंकि देवता हमेशा कंट्रोल करते हैं पृथ्वी को, और सही बात, सही देवता बात। असुरों के माध्यम से ही कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं, क्योंकि देवताओं से ज्यादा कोई हाँ बुद्धिमान होता नहीं है, बहुत बुद्धि होती हाँ हाँ सही बात, सही है। बात। वो तो अभी मैं तो ये दर्शकों को बोलूंगा कि ये सारे जो उपन्यासकार हैं, साथ में जो हमारे जो फेमस मिथोलॉजिस्ट जो अपने आप को बोलते हैं सोशल मीडिया में, इन सब की पुस्तकों को सही खरीदना करना बंद कर दें। अगर आपको कोई बात, सही बात, पुस्तक ना मिले तो धार्मिक लोगों की पुस्तकें पढ़े। हमारे सिकंदर बिल्कुल चैनल पे बिल्कुल इतने सारे ऑथर्स हैं, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार बिल्कुल जी बहुत बिल्कुल, ही सही अच्छे बात। ऑथर हैं, इनकी पुस्तक पढ़िए आप, कुसुम लता केडिया जी, रामेश्वर मिश्र पंगा जी, और बहुत सारे ऑथर्स हमारे चैनल पे आ चुके हैं जो कि धार्मिक व्यक्तित्व हैं, उनकी पुस्तकें पढ़िए आप। और शैलेंद्र जी ने जो हमारी आंखें खोली है कवियों के बारे में, और मैं आपको शैलेंद्र जी बड़ा सच बताता हूँ, मैं कभी भी कवियों से, ये किसी भी कवि से इम्प्रेस नहीं हुआ, मैंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी किसी की भी, यहाँ तक कि मैंने कालिदास की भी पुस्तक, मैं बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस आती है जैसे आपने कोई पुस्तक लिखी या फिर कुसुम लता केड़िया जी ने कुछ लिखी जो कि धर्मयुक्त हो, और साथ में अगर कुछ भी ना मिले तो पुराण पढ़ो भाई, महाभारत पढ़ो, रामायण पढ़ो, वेद उपनिषद पढ़ो, और उन पर आधारित पुस्तकें पढ़ो, ताकि वो नॉन फिक्शन कैटेगरी में ना हो, क्योंकि हमारे उधर बहुत ही रोचक कहानियां हैं, बहुत जबरदस्त कहानियां हैं, एक से एक, और तो उसको अरे एक पढ़िए, महाभारत में हजारों कहानियां हैं, एक महाभारत को ले लीजिए आप, लाखों कहानियां हैं बाबू, एक बहुत रामायण में पता नहीं कितनी कहानियां हैं, कहानियां हैं, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा कहानियां हैं। और आजकल जब मैं ये पढ़ रहा हूँ, महादेवी पुराण पढ़ रहा हूँ, मैंने प्लास पुस्तक के लिए रिसर्च किया था उस पर, इतनी रोचक कहानियां हैं, इतनी रोचक कहानियां हैं, जिसको हर कहानी पे एक मूवी बन सकती है। हमारे बॉलीवुड को मूवी का थीम्स नहीं मिलेगा, हजारों लाखों थीम्स मिलेगा। नहीं, वो उनकी इच्छा नहीं है ना। अरे वो तो ही तो प्रेमचंद, आपको पता है प्रेमचंद सिनेमा में थे, प्रेमचंद ना की पटकथाओं पर फिल्में बनी हैं, आप समझ सकते हैं। ये सब वही मैंने कहा ना, ये हिंदू धर्म की जड़ों में ये लोग मट्ठा खोलने वाले हैं, कर रहे जड़ हैं, को हिलाने वाले हैं, जड़ को कमजोर करने वाले हैं, और ये स्वयं ही अहिंदू हैं। अर्ध हिंदू कहिए, अर्ध मुसलमान कहिए, कुछ भी कहिए आप, उदारता पूर्वक, तो आपको समझ में आ सकता है। तो चलिए हम विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और दर्शकों को भी प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और इस वीडियो को 1 लाख तक तो जरूर पहुंचाइए, 1 लाख तो मिनिमम व्यूज होने चाहिए इस वीडियो के। और मैं इतने ध्यान से सुना है, मैंने नोट्स बनाए हैं, और मैं टाइटल में ही कंफ्यूज हो गया हूँ क्या टाइटल आएगा वीडियो इसका यूट्यूब पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए, और गीता कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते रहिए। हमारे गीता कॉम्पिटिशन में बहुत सारी एंट्रीज आ चुकी है, एंड हम लोग ओवरवेल्म हो चुके हैं, 17 साल है, एंड गीता के श्लोकों का उससे बड़ा कोई कवि होगा नहीं, भगवान कृष्ण से बड़ा, तो वो सबको ग्लोरीफाई करते हैं, उष्णा को कवि बोलते हैं, लेकिन जो अच्छा होगा उसी को तो मालूम है, दूसरा कैसे होगा। और सही भगवान बात, सही अगर बात, किसी मनुष्य को ग्लोरीफाई नहीं करेंगे तो किसी और कौन करेगा। थैंक कौन करे, यू, सही बात। थैंक यू वेरी मच, चलिए, नमस्ते, जय प्रणाम जगन्नाथ, सबको, आपके दर्शकों को प्रणाम। जय जगन्नाथ, थैंक यू।